अच्छा, मार्केट में बहुत सारे गीजर्स आते हैं, जैसे मान ली सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हर कोई गर्म पानी से नहाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सारे काम इंसान गर्म पानी से करता है, तो उसके लिए इंसान गीजर लगवाता है। अब गीजर में क्या है ना कि एक मतलब मान लीजिए कि आप गए मार्केट गीजर खरीदने, तो वहाँ पे ना एक कैटेगरी आपको गीजर, बहुत सारी कैटेगरीज तो आती हैं, बट उसमें एक कैटेगरी आपको देखने को मिलता है इंस्टेंट गीजर का कैटेगरी। तो इसमें लोग ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि इंस्टेंट गीजर क्या है, देखने में तो छोटा सा है, बल्कि गीजर तो बड़े बड़े आते हैं ना, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 30 लीटर ऐसे स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं। तो ये इंस्टेंट गीजर क्या है और इसका क्या मतलब है, तो देखिए कन्फ्यूज मत होइए, बहुत सारे लोगों को पता है तो उनके लिए तो खैर ये वीडियो है भी नहीं, तो वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझिए। एक्चुअली इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत, और गीजर का मतलब पानी गर्म करने वाली मशीन। तो इंस्टेंट गीजर का मतलब है कि तुरंत पानी गर्म करने वाली मशीन। अब स्टोरेज टाइप गीजर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक गीजर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर है मान लीजिए, उसमें एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज आपका 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 30 लीटर, कुछ बहुत बड़े आते हैं तो वो 50-50 लीटर की स्टोरेज के साथ भी आते हैं। तो स्टोरेज गीजर में क्या होता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है, जितने लीटर कैपेसिटी का वो टैंक होगा उतना पानी स्टोर होगा, उसके बाद आप गीजर को ऑन करते हो, गीजर ऑन करने के 15-20-30 मिनट के बाद जैसे ही स्टोरेज की कैपेसिटी है जितनी बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, अगर स्टोरेज बहुत कम है जैसे 10 लीटर का गीजर है तो थोड़ा जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको इंतजार करना पड़ेगा पानी गर्म होने के लिए, और जब वह पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद से वो मतलब उसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि पानी आपका यूज करने लायक गर्म हो चुका है। तो उसके बाद से आप उस पानी का इस्तेमाल करते हो नहाने में, कपड़े धुलने में, बर्तन धुलने में, जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे करते हो। बट इंस्टेंट गीजर में क्या होता है, इसमें आपको पानी तुरंत गर्म मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही टैब ऑन करते हो गीजर आपका ऑन हो जाता है, और ऑन होते कि 10 से 15 सेकंड के बाद ही आपको गुनगुना पानी, और उसके बाद से आपको जितनी गर्म चाहिए उतने हिसाब से आप टैग को धीरे या तेज खोल सकते हो, उसके हिसाब से उसका जो फ्लो है उसको आप मैनेज कर सकते हो। फ्लो को मैनेज करने के बाद आपको काफी अच्छे खासे गर्माहट वाला पानी देखने को मिल जाता है। अब यहां पे होता है फायदा किसके लिए, देखिए यूजुअली जो इंस्टेंट गीजर होता है उसका इस्तेमाल हम किचन में बर्तन धुलने के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टोरेज टैंक वाले गीजर्स होते हैं वो हमारे बाथरूम में होते हैं, वहां पर हम नहाने के पर्पज से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्पेशली जो इंस्टेंट गीजर होते हैं उसके यूजेस को मैंने यूजुअली अपने पूरे लाइफ में देखा है कि जो भी इंस्टेंट गीजर मैंने किसी के भी पर्सन के घर में लगा हुआ देखा है तो ज्यादातर लोग अपने किचन में ही लगवाते हैं ताकि बर्तन वगैरह धुलने में, सर्दियों में बर्तन धुलने में तो हाथ कट कट के गिरने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंस्टेंट गीजर किचन में यूज करने में काफी ज्यादा सहूलियत होती है, गर्म पानी मिलता है और आराम से जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो भी बर्तन धुलते हैं उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज मत होइए, इंस्टेंट गीजर का मतलब है पानी को तुरंत गर्म कर देना, और स्टोरेज टैंक वाले गीजर का मतलब है कि वो पानी को गर्म करेगा, कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही तरह के गीजर अपने अपने काम में परफेक्ट हैं। जैसे जो स्टोरेज टाइप वाला गीजर होता है उसमें क्या होता है, एक बार आधे घंटे का टाइम तो लग गया, बट उसके बाद से अगर 20 लीटर का स्टोरेज टैंक है तो लगभग आपके चार लोगों की अगर फैमिली है तो चारों लोग आराम से नहाओ आओ सब कुछ आराम से करो, वो आपको मतलब यूजुअली आपका जो पूरा यूज जो है गर्म पानी का वो आराम से फुलफिल कर देता है। वहीं पे इंस्टेंट गीजर जो है वो तुरंत पानी को गर्म करके आपको देता है। बट स्टोरेज टाइप गीजर का फायदा क्या है, स्टोरेज टाइप गीजर का फायदा ये है कि अगर लाइट नहीं है, मान लीजिए आपने पानी चला दिया, पानी एक बार गर्म हो गया, अब मान लीजिए लाइट भाग गई, तो आप उस समय भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, गर्म पानी आपको तब भी मिलेगा। बट इंस्टेंट गीजर में क्या है, अगर लाइट चली गई, लाइट कट गई यानी बिजली चली गई, तो उस कंडीशन में आप इंस्टेंट वाले गीजर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वहाँ पे वो कहाँ से पानी गर्म करेगा जब लाइट ही नहीं, उसको बिजली ही नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के कुछ किसी चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। बेनिफिट्स यही है कि तुरंत गर्म करके पानी दे देगा, और स्टोरेज टाइप गीजर का जो नुकसान है वो ये है कि थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करेगा आधे घंटे का पानी को गर्म करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंस्टेंट गीजर और स्टोरेज टैंक टाइप गीजर का मतलब समझ में आ गया होगा, कि इंस्टेंट गीजर को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो बस आज की वीडियो में था, वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे इंस्टेंट गीजर के लिंक दे रखे हैं, आप जाकर परचेज कर सकते हो अगर करना चाहते हो अपने किचन वगैरह के लिए, तो वैसे बाथरूम में भी लगा सकते हो बट किचन इज द सुटेबल प्लेस फॉर इंस्टेंट गीजर। तो बस आज की वीडियो में था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।